बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। और जहाँ तक इसके फजाइल फवाद का ताल्लुक है तो लिखा है कि अगर किसी को जो दर्द गुर्दा, अब वो रीह का दर्द हो गुर्दे का या ये कि पथरी का दर्द है गुर्दे का, उसके लिए बहुत नाफ़े है, 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ के जो है वो पानी पे दम करके पानी पिलाएं और अपने बदन पे फूंकते रहें, तो ये 11 दिन पाबंदी से कर लें तो अल्लाह तबारक व ताला दर्द गुर्दा से इसको निजात दे देते हैं। और दूसरा एक फ़ायदा ये है कि इंसान ये खाना खाता तो खाना खाने के वक्त में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जिस्म के ऊपर जो मनफी को असर डाल सकती हैं, इंसान का मैदा ख़राब हो जाए या ऐसी कोई चीज़ खा रहे जिससे जो जिस्मानी तौर पे तकलीफ़ हो या वो खुराक आपके लिए नाफे ना हो, ऐसा हो सकता है। जैसे आज की ज़ुबान में फूड पॉइज़न लोग कह देते, या फूड पॉइज़न हो गया या वो ओवर ईटिंग होने की वजह से यार ये प्रॉब्लम हो गया, तो फरमाया कि अगर सूरह कुरैश उस खाने पर 1 मरतबा दम करके खाएँ आप तो खाने के किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, भले उसमें कोई नुकसानदेह चीज़ पड़ी हुई हो और आपको पता ना हो, लेकिन एक बरदो सुर कुरेश दम करके आप खाना खाएं तो वो ख़ुराक आपको नफ़ा भी देगी और हर तरह के मुज़िर असरात से आप महफूज भी रहेंगे। और एक इसका फ़ायदा यह है कि अगर आप सफ़र में जाते हैं और आपको अपनी जान माल का कोई ख़तरा है, कोई ऐसा अंदेशा कोई दुश्मन नुकसान ना पहुंचाए, या आजकल हवाई जहाज़ों का सफ़र होता है तो लोग डरते हैं कि यार हवाई जहाज़ के हवाले से कोई ऐसा क्रैश ना हो जाए, कोई ऐसे वाक़ियात होते हैं, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि 101 मरतबा सुर कुरेश पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ के अपने बदन पे दम करे, थोड़ा सा पानी पी ले और उसके बाद जो है ये सफ़र में जाए। लेकिन जब ये 101 दफ़ा पढ़े और जब इस मुकाम पे पहुँचे कि अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइ व आमनहुम मिन खौफ, व आमनहुम मिन खौफ जब कहे, उस वक्त ये तस्वुर करे कि सफ़र बाहिफाजत हो, उस आयत के वजह सबूर बांधे और यह भी 101 दफ़ा पढ़ ले, तो इंशाल्लाह सफ़र खैरियत से जाएगा, ये खैरियत से वापस आएगा, किसी किस्म की कोई हार्डशिप्स नहीं होगी। और एक इसका फ़ायदा है कि एक आदमी बेरोज़गार है और रिज़क की तंगी से परेशान है तो यही सूरत 41 मरतबा पढ़े, 41 मरतबा पढ़े और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और दरमियान में जब पहुँचे अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, कि वो अल्लाह वो ज़ात है कि जो भूख में जिसने तुम्हें खाना खिलाया, तो इस आयत में जब पहुँचे उस वक्त अपनी माली तंगी का तसव्वुर बांधे और फिर आगे वह आमन मिन खौफ पढ़े, इस तरह 41 टाइम डेली पढ़े तो अल्लाह तबारक व ताला रिज़्क़ की कुशादगी उसको अता फरमा देते हैं और तंगी रिज़्क़ की उसकी दूर हो जाती है। ये इसका फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये कि अगर कोई दुश्मन परेशान करता है, तंग करता है और उसकी तरह से तकलीफ़ का अंदेशा रहता है, तो रोज़ाना जो है 11 मरतबा उस दुश्मन का तसव्वुर करके उसको पढ़ लें और जिस सिमत की तरफ दुश्मन रहता है उस डायरेक्शन की तरफ 3 दफ़ा फूंक दें, तो अल्लाह तबारक व ताला उस दुश्मन के हर तरह के शर से महफूज रखता है। एक फ़ायदा यह है कि बच्चों को आमतौर पर नज़र लग जाती है, या ये अंदेशा होता है कि हम किसी तकरीब में जा रहे हैं कहीं बच्चों को नज़र ना लग जाए, या बड़ा सोचता है कि मुझे नज़र ना लग जाए, ख़वातीन बन सज के जाती उनको नज़र लग जाती है, तो लिहाजा ऐसा शख्स जो घर से निकलने से पहले 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के अपने आप पे दम कर ले, और या ये कि बच्चा है तो बच्चे पे पढ़ के दम कर दे, तो अगर नज़र लगी हुई होगी तो वो हट जाएगी, और अगर लगी नहीं है तो अगर बाहर तकरीब के लिए जाता है तो उसको किसी किस्म की नज़र लगेगी नहीं और वो महफूज रहेगा। और आमतौर पे लोग ये पूछते हैं कि नज़र से बचने का क्या तरीका है, तो ये है कि सूरह कुरैश 3 दफ़ा रोज़ाना बच्चों को दम करें, यानी जब स्कूल भेज रहे हैं बच्चे 3 दफ़ा पढ़ के फूंक दिया करें, इंशाल्लाह खैरियत से जाएंगे, खैरियत से आएंगे, खुद भी इंसान जो है 3 दफ़ा रोज़ फूंक दिया करे, हर तरह की शैतानी और जो है जिन्नाती और इंसानी नज़र से इंसान महफूज रहता है। ये इसके फ़वाद हैं। सुभान हाँ, बहुत कीमती। और जहाँ तक इसके ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक है, तो एक इसका मतलब है कि अगर ये शख्स दीनदार है तो इसको हज की दौलत नसीब होगी और जो ज़ियारत हरमैन शरीफ़ नसीब होगी इसको, लेकिन अगर दीनदार नहीं है, बेदीन है, तो इसका मतलब यह है कि इसको जो है रिज़क की फरवानी होगी लेकिन अल्लाह का नाशुकरा होगा या उस रिज़क की फरवानी को शुक्र नहीं करेगा, और ज़ाहिर है कि यह भी रिज़क की फरवानी इसके लिए आजमाइश बनेगी क्योंकि जब शुक्रगुजार नहीं है। और एक मतलब यह कि ख्वाब में अगर इसको पढ़ा या सुना तो इसका मतलब है कि इसको अल्लाह तबारक व ताला रिज़्क़ की कुशादगी अता करेंगे और ये मोहताजों गरीबों मिस्कीनों में बहुत रिज़्क़ बांटेगा, गरीबों को खूब खिलाएगा, भूखों को खिलाएगा, नंगों को पहनाएगा, ऐसा अल्लाह इसको अता करेंगे। और एक मतलब यह कि अगर इसके ऊपर कोई कर्ज़ है तो कर्ज़ की अदायगी जो है इसके लिए अल्लाह आसान कर देंगे और जिसका कर्ज उतर जाएगा, भले ये इसको खुद अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर दें कि ये कर्ज उसको अदा कर दे, और या ये कि खुद जो कर्ज खा है वो खुद ही इसको माफ़ कर देगा, कहा भाई वो जो तुम्हारे ऊपर कर्ज़ है मेरा, मैं दिल से उसको माफ़ करता हूँ, तो इस तरीके से इसको कर्ज से निजात हो जाएगी।
اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جو سفر آنے والا جو سفر کر رہا ہے یا کرے گا سفر, اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھرپور کامیابی دیں گے, گویا کہ سفر میں کامیابی کی بشارت اس کو ملتی ہے. سبحان اللہ.